हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज का आंसर और न्यूमेरिकल्स है उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, अ मोटरसाइकिलिस्ट कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्फीयर ऑफ डेथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, स्फीयर ऑफ डेथ में क्या होता था, एक स्फीयर होता था, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे एक व्हीकल होती थी, मे बी वो कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, क्या करती थी ऐसे चक्कर लगाती थी। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वैरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको मालूम है ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी या फिर स्पीड और अपर मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है पार्टिकल की या फिर व्हीकल की वो मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे ज्यादा स्पीड किसकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगी लोअर पॉइंट पे होगी और अपर पॉइंट पे क्या होगी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ एंड व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स। मतलब हमको पहले क्या पूछा है, स्फीयर का डायमीटर कितना होगा। ठीक है, अभी हमको गिवन डेटा क्या क्या दिया है, गिवन में हमको दिया है वी फॉर अपर 6 मीटर पर सेकेंड और वी फॉर लोअर 10 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायमीटर फाइंड आउट करना है जो हमारा डी है, और क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट और मिनिमम वेलोसिटी या फिर मिनिमम स्पीड फॉर अपर मोस्ट पॉइंट, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब ये मतलब हम लोग ने एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही लेके हम लोग ने इसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। हम लोग ने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि वहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक है, हम लोग ने देखा था जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर होगा या फिर स्पीड का स्क्वायर है और अपर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, 4RJ के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वी स्क्वायर माइनस वी फॉर लोअर और वी फॉर अपर स्क्वायर इज इक्वल टू 4RJ। ठीक है, ऐसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने ए बी कुछ नाम दे के पढ़ा था। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड का स्क्वायर होगा माइनस अपर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड का स्क्वायर होगा वो 4RJ के इक्वल आएगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड है, 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस अपर मोस्ट पॉइंट पे 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4RJ की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 10 ले सकते हैं, तो 4 × R × 10। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 × 10 = 40 × R। ठीक है, तो यहाँ पे 100 माइनस 36 कितना होगा, यहाँ पे 100 माइनस 36 होगा 64। ठीक है, 64 हो जाएगा और ये क्या होगा, 40 × R। अब यहां से इसको डिवाइड में लिखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर R इज इक्वल टू 64/40। ठीक है, इसको यहाँ पे सिंपली डिवाइड करते हैं 4 से, 4 × 10 = 4, 1 × 4 = 4, 4 × 6 = 24। ठीक है, अब ये 10 से डिवाइड होगा 16 तो क्या होगा, R इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये क्या होगा, R इज इक्वल टू 1.6 मीटर होगा। अब ये रेडियस है, इसका रेडियस आ गया, लेकिन हमको क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो देयरफॉर डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो यहाँ पे रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 मीटर। तो हमारा डायमीटर कितना आ गया, 3.2 मीटर। अब हमको और क्या पूछा है कि देखिए अभी इस कंडीशन में लोअर मोस्ट पॉइंट पे तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और अपर मोस्ट पॉइंट पे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, लेकिन अगर ये जो व्हीकल है इसको कंटिन्यूअस स्फीयर ऑफ डेथ में से वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते ही रहना है तो इसको लोअर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी और अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा है अपर मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, अपर मोस्ट पॉइंट पे जो फॉर्मूला होता है वो √RG होता है और लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, √5RG होता है। ठीक है, अगर आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन नहीं पढ़ा है तो आप उसको जरूर पढ़े, उसका लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से अच्छे से जरूर पढ़ लेना ताकि आपको ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है,
तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम लोग निकाल लेते हैं क्या होगा अंडर रूट ऑफ 5 RG, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और R की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू जी की वैल्यू 10, तो क्या होगा 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये रूट 5। पास वेलोसिटी एट या फिर स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट कितना होगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, 4.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ऑल्सो अपर मोस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए, ऑल्सो अपर मोस्ट पॉइंट पे कितना होना चाहिए अंडर रूट ऑफ RG। R की वैल्यू है 1.6 और G का वैल्यू 10, तो क्या होगा रूट 16 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, तो मिनिमम इस पे यहाँ पे अपर मोस्ट पॉइंट पे 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए और लोअर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम 4.5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए स्पीड व्हीकल की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या बोला है, अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। इट इज मोल्टेड एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम रेडियस। हाउ विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखते हैं। क्या एक मेटालिक रिंग है, ठीक है, रिंग मतलब क्या, इसके खाली बाउंड्रीज पे या फिर इसके जो सर्कमफेरेंस है यहाँ पे क्या होगा, पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, ये रिंग है। अब इस रिंग को मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये रिंग है मेरा, ठीक है। अब इसका वेट कितना है, सॉरी इसका मास कितना है, 1 kg है, ठीक है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है कितना है, 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोला है, 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। मतलब इसका डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर होता है, ठीक है, तो इसका डायमीटर मान लेते हैं ये है, तो इसके अराउंड ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऐसे मान लेते हैं रिंग है, ठीक है, ये रिंग का डायमीटर इसके अराउंड घूम रहा है, रिंग ऐसे नहीं घूम रहा है, ये इसके सेंट्रल एक्सिस से घूमता है, इसको हम लोग सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है, डायमीटर के हिसाब से घूम रहा है, अलोंग द डायमीटर, ठीक है। अभी हमको उसमें क्या पूछा है, इट इज मोल्टन मतलब इसको मोल्ट कर दिया मतलब मेल्ट कर दिया, और रीमोल्डेड, रीमोल्डेड मतलब क्या, इसको रीफॉर्म किया इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम रेडियस। मान लेते इसका कुछ रेडियस था, ठीक है, इसका कुछ रेडियस था आर, तो सेम रेडियस का क्या किया, इसको पहले मेल्ट किया फिर इसको रीमोल्ड किया एक डिस्क के फॉर्म में, एकदम पतला सा डिस्क बनाया, ठीक है, डिस्क बनाया, और उसका जो रेडियस है वो भी रेडियस कितना है, ये रिंग के रेडियस से इक्वल है मतलब आर है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मच विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटेड अबाउट इन इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओन मतलब क्या, ये इसका ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमको पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्वेश्चन नंबर 19, हम लोग यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, गिवन है हमारे पास मास कितना है 1 kg और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है I2, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हमको दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर और I2 हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, टू फाइंड I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब देखिए सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का, mr², बट ये कब होता है, जब ये जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, उसके सेंटर से पास हो, ठीक है, लेकिन जब उसके डायमीटर से पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है रिंग का, mr² / 2 हो जाता है, ठीक है। ये हम हमारे बुक के लास्ट पेज, चैप्टर के लास्ट पेज में भी दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। इसके डायमीटर के अलावा क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 हो जाता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर मुझे यहाँ पे रेडियस मिल जाए तो यहाँ पे मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे रिंग का दिया 1 और उसका मास कितना है 1, रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है, रेडियस का स्क्वायर 2 एज इट इज। अब 2 वहां जाएगा तो क्या होगा, 2 = r², r मुझे क्या मिलेगा, √2 मीटर, ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। अब देखिए हमको क्या बोला है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, या फिर अबाउट इट ओन एक्सिस, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कैसे निकालेंगे, देयरफॉर I2 = डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² / 2, जब उसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा हो, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा हो, उसके सेंट्रल एक्सिस से। तो यहाँ पे मास कितना है 1 है और रेडियस कितना आ गया मेरे पास, रेडियस का स्क्वायर ना, तो रेडियस का स्क्वायर कितना है 2 है और अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा 1 kg मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क वो कितना आ गया, 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, टू आइडेंटिकल सॉलिड थर्मोकोल स्फीयर ऑफ मास 25 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट द एंड ऑफ टू एट द एंड ऑफ द रॉड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब इसको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मान लेते एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है, ये रॉड कैसा यूनिफॉर्म है और इसका लेंथ हमको बोला है 20 सेंटीमीटर, और इसका जो मास दिया है वो कितना है 60 ग्राम्स। अब इसमें क्या बोला है दूसरा, टू आइडेंटिकल सॉलिड थर्मोकोल स्फीयर्स, दो आइडेंटिकल थर्मोकोल के स्फीयर्स हैं, ठीक है, बॉल जैसे, वो यहाँ पे इसके एंड में है, ठीक है, एक ये एंड में है, ये एंड में, दोनों क्या है आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल मतलब क्या है, दोनों का शेप वॉल्यूम क्या होगा सब इक्वल होगा। तो इसका जो मास है वो कितना है 25 ग्राम्स, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है 10 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, मतलब इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या करना है, पूरे डंबल का कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब देखिए मान लेते हैं जो मास है रॉड का वो कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम है, और इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है, इसका जो लेंथ है रॉड का वो यहाँ देखिए एक्चुअली सेंटर से होगा, थोड़ा सा ये थोड़ा सेंटर से होगा, यहाँ पे भी ये सेंटर से होगा, ओके। तो इसका जो टोटल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो मास है रॉड का वो 60 ग्राम्स है, और इसका जो स्फीयर दोनों का सेम है, तो मैंने खाली एक के लिखा है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसका मास है 25 ग्राम्स। तो जब ये मान लेते हैं ये हमारा डंबल है, ये बाजू बाजू में यहाँ पे डंबल वो स्फीयर्स है, तो इसका जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अराउंड जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी आपको गिवन डेटा तो यहाँ पे सब समझ में आ रहा है, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना वो भी समझ में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हम लोग ने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, वो थ्योरम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल एक्सिस में हम लोग ने क्या पढ़ा था, पैरेलल एक्सिस में ये हमको यहाँ पे लगेगा, पैरेलल एक्सिस में क्या लगा था, एक्सिस अबाउट एनी गिवन पॉइंट इज इक्वल टू एट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, डिराइव भी किया था अच्छे से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका भी लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करने वाले, ठीक है। अभी देखिए ये जो है होगा ये कोई भी बाहर का पॉइंट है, अगर मान लेते मैं अभी फिलहाल आपको बोली जो स्फीयर है, ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 mr², ठीक है। आपके बुक में जो पीछे चैप्टर के एंड में जो शीट है वहाँ पे कॉलम है वहाँ पे सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। लेकिन हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके टर्म्स में निकालना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में निकालना है, मतलब यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बात समझ में आ रहा है। तो इसके अराउंड हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैसे निकालेंगे, अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करेंगे। ये दोनों एक्सिस कैसे एक दूसरे से पैरेलल है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मान लेते हैं h है, ठीक है, हमको इसका मास मालूम है, ठीक है, और इसके इसके अराउंड जो इसके सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी हमको मालूम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्फीयर्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होगा स्फीयर का निकाल रहे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके सेंट्रल एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा स्फीयर का, ठीक है, प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग ने बना लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट एनी गिवन पॉइंट आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द सिस्टम बोल सकते हो, खाली हम लोग इस स्फीयर को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अभी रॉड को थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर करो। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है, अबाउट एम एच स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्मॉल एम आएगा, ठीक है, हम लोग ने स्मॉल एम अज्यूम किया। तो यहाँ पे देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड क्या होगा 2/5 mr²,
ठीक है, इसका रेडियस हम लोग ने आर माना है तो ये आर हो जाएगा, ठीक है, एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। अब देखिए जो एच होगा यहाँ पे, जो ये एच डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये एच डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 और रेडियस कितना है 10। अभी आपको लग रहा है अरे ये तो 10 ज्यादा है, डायग्राम के ऊपर है, डायग्राम लोन ठीक से नहीं बनाया, तो ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और चीज, हमारे पास ऐसे कितने स्फीयर है, दो दो स्फीयर है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज टू स्फीयर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मास है देखो कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं मास को, ठीक है, मास कॉमन दिख रहा है इसको बाहर ले लिया। अब यहाँ पे 2/5 आर, आर क्या है मेरा यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच कितना है मेरे पास, एच तो 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2, एम कितना है मेरे पास 25, तो यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2/5 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, 5 1s 5 20s, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा, 225 50 होता है, और 2 2s 4 40 होगा, ठीक है, 2 2s 4 और 0 और प्लस 400। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर 50 और ये कितना होगा 440 हो जाएगा, 440 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 बाहर, 5 4s 20, 2 कैरी, 5 4s 20 और 2 22। अब देखिए इसका यूनिट सब किस में है, सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, तो हम सीजीएस यूनिट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको केजी में करना है, आंसर किस में दिया, केजी में दिया कि सेंटीमीटर, ठीक है, अपना भी आंसर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, तो हम लोग इसमें ही रखते हैं। तो ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू स्पीयर्स अलॉन्ग दिस एक्स ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट दिस एक्स ऑफ रोटेशन। अब पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डंबल I is, ठीक है, हम लोग मान गए जो पूरा डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो I है, वो किसके इक्वल होगा, देखिए हम लोग ने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे गलती से मत कर देना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ, ऐसे तीनों ऐसे ऐड मत करना, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा, कि आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालोगे तो खाली इसके अबाउट निकालोगे, लेकिन हमको पहले क्वेश्चन में याद रखना है, हमको इस एक्स ऑफ रोटेशन के अराउंड निकालना है, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, दोनों स्पेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या होगा, ये आई एस हो जाएगा, आई एस हम लोग ने निकाल लिया है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, ठीक है, ऑफ दिस रॉड, ठीक है। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ठीक है, रॉड का मैं यहाँ पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 2l, ये फॉर्मूला भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ठीक है। मास कितना है इसका 60, l की वैल्यू कितनी है 20, मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2l, 12 1s 12 5s, और ये कितना होगा 400, तो कितना होगा 5 4s 20, तो ये कितना मिल रहा है 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड इतना आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हम लोग ने स्फीयर का भी निकाल लिया और रॉड का भी निकाल लिया। अब क्या करोगे, वैल्यूज पुट करो, तो 22,000 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 2,000, तो 22,000 प्लस 2,000 कितना होगा 24,000 होगा, 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ऑफ होल डंबल अबाउट दिस एक्स ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया अभी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पे, अ फ्लाई व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इट्स सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। अर्थनवेयर पॉट्स बनाने के लिए हम लोग फ्लाई व्हील यूज करते हैं ना, आपने देखा होगा वो मटका वगैरह बनाते हैं कच्चे मिट्टी का, तो वो वाला सिस्टम है, ठीक है। और उसका जो रोटेशन है इनिशियली फ्रीक्वेंसी उसका कितना है 100 आरपीएम, ओके। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, ये किस फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में है, और उसका मास कितना है 10 kg एंड रेडियस 0.4 मीटर। A lump of clay, एक clay का टुकड़ा यहाँ पे, to be equivalent to be taken as a particle of mass 1.6 kg falls on it, मतलब उसके ऊपर गिर गया वो disc के ऊपर, और adhesive मतलब उसके ऊपर चिपक गया,
टू हिट एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स, कोई सर्टेन डिस्टेंस एक्स से आके क्या होगा, चिपक गया वो सेंटर के रिस्पेक्ट में। कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम। अब इसको यहाँ पे तो आप समझते हैं, देखिए ये हमारा पॉड बनाने वाला वो व्हील है, ठीक है, वो डिस्क शेप का। इसका जो रेडियस बोला है हमको, मान लीजिए इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, वो कितना बोला है 0.4 मीटर, और इसका जो मास है वो मास बोला है 10 kg, ठीक है, इसका मास बोला है 10 kg। और इनिशियली कितने फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है, ये 100 rpm के फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है, ठीक है। अब इसमें दो दो फ्रीक्वेंसी थे, इसमें इनिशियल वाला हम लोग n1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एक क्ले का टुकड़ा था वो इसके आगे ऊपर नीचे ऊपर गिर गया, एक पार्टिकल शेप का एक क्ले का टुकड़ा गिर गया, और ये सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पे आके गिरा, ठीक है, कुछ एक्स डिस्टेंस पे आके गिरा। अब इसका जो मास था, इसका जो मास था वो कितना है 1.6 kg, और ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे, जो हमको क्या करना है यही एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और हमको एक चीज और क्या दी है, अब जब ये नीचे इसके ऊपर गिर गया तो इसका जो रोटेशन है या फिर जो हम लोग उसके बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी हो कम हो गई, कितनी हो गई, वो माने थे n2 है वो 80 rpm हो गई। समझ में आ रहा है, सारा डेटा हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है, हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब यहाँ पे समझना ये है, केजी हमारा ऐसा सिस्टम है, मीटर ये सब ऐसा सिस्टम है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूज क्या होता है, हर्ट्ज होता है, या फिर हम लोग आरपीएस बोलते हैं उसको, रोटेशन पर सेकेंड। तो इसको आरपीएम से आरपीएस में लाना, रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड में लाना, ठीक है। अब देखिए रोटेशन पर मिनट में है, इसको रोटेशन पर सेकंड में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए रोटेशन पर मिनट में है, ठीक है, पर मिनट में है, तो यहाँ पे एक मिनट मतलब कितना होता है 60 seconds, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मिनट को 60 seconds लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 60 को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन पर सेकंड कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जीरो से जीरो चला जाएगा, 2, 3, 2, 4, तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है n2 4/3 रोटेशन पर ये पर सेकंड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 100/60 कर देंगे तो ये हमारा आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से 0, 0 कैंसल, 2, 3, 2, 5, तो मेरा n1 इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 5/3 आरपीएस, ठीक है। सारा गिवन डेटा हम लोग ने लिख लिया यहाँ पे, और हमको क्या फाइंड आउट करना है वो भी हम लोग ने लिख लिया। तो ये हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका सोल्यूशन आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये जो गिवन डेटा है, अभी आपको देखो जैसे इसके ऊपर क्ले गिरा तो उसका जो रोटेशन है फिर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हैं। हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। ये कब होता है, जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो सिस्टम पे, जीरो। तो इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या, लग रहा है, लेकिन वो क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर आपने ये भी लेक्चर नहीं पढ़ा है तो अगेन आप जाके प्लेलिस्ट में से, चैनल में से जाके पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम का हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। तो ये पहला एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है आई वन, तो ये क्या होगा, आई वन ओमेगा वन, ठीक है, ये क्या होगा, आई टू ओमेगा टू हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियली जब देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मतलब जब ये क्या था, खाली डिस्क था, ये जो डिस्क था खाली, तब ये क्ले नहीं गया था, तो इसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट दिस एक्सिस, वो होता है mr² / 2, ठीक है। और जब ये क्ले आ जाएगा, अब देखो जब क्ले आ जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास इसमें ऐड हो गया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मास ऐड हो गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr² / 2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पॉइंट मास का, मतलब इस पॉइंट क्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम, ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो mx², ठीक है। इसका मास क्या है, स्मॉल एम, और ये कैपिटल एम है, ठीक है, याद रखना आपको, बात समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्ले। तो क्या होगा, ये पॉइंट जैसा है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², यहाँ पे r क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे x है, तो x² हो जाएगा, और तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है, बात समझ में आ गया।
तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज। तो क्या है, एम आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है, और ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है टू पाई एन। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, टू पाई एन। तो टू पाई एन वन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ओमेगा वन है। सिमिलरली आई टू कितना है पास, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम एक्स स्क्वायर, और ओमेगा कितना होगा, टू पाई एन टू। ठीक है, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि टू पाई क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मास कितना है मेरे पास, कैपिटल एम कितना है मेरे पास, 10 kg, तो 10 पुट कर दे। रेडियस कितना है इसका, रेडियस है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन टू। अब यहाँ पे n1 हमने निकाला, n1 कितना है हमारे पास, 5/3 इज इक्वल टू, ये सेम, ये पूरा सेम यही एज इट इज है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर दे रहा हूँ, 0.4 का स्क्वायर बाय टू प्लस, अब इसका मास कितना है पास, 1.6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और n2 हमारे पास कितना है, 4/3। अब देखिए यहाँ पे जो 3/3 है वो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 मल्टी, ये देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0.16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 और इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम 10 इंटू 0.16 अपॉन 2 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, 4 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 को मैं हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ पे 4 आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ से मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको 4 1 4 4 0.4। ठीक है, नहीं तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक काम करो, ऐसे रखो फिलहाल, ये क्या है, 4 है और ये 0.16 है। तो क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 ये कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होकर 1.6 हो जाएगा, और 2 4 8 हो जाएगा इंटू 5। यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये 1.6 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो यहाँ पे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 4 1 4 4 4 6 0.4, जो कि रॉन्ग होगा, इसका आंसर का 0.04। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में बहुत बार कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट को ऐसे शिफ्ट कर दिया, 8 1 8 8 2 16.2। ठीक है, 2 5 10 होगा, और 0.1 के 1.0 होगा, मतलब क्या होगा, 1 होगा आंसर यहाँ पे, इज इक्वल टू सेम यहाँ पे क्या होगा, 0.8 होगा प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर होगा। अब 0.8 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1.6 एक्स स्क्वायर हम लोग का रीअरेंज करें तो 1 - 0.8 हो जाएगा। अब 1 में से 0.8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाय 1.6, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, क्या बचेगा, 1/1/8 बचेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 1/8 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/√8 मीटर। तो ये मेरा वैल्यू आ गया x का, तो x कितने डिस्टेंस पे, 1/√8 मीटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके बुक में आंसर दिया है इसका 0.35 मीटर। आप लॉग टेबल से पहले रूट एट का स्क्वायर रूट में जाके रूट एट का वैल्यू निकाल लोगे, फिर इनवर्स करके आप आंसर यहाँ पे डायरेक्टली फाइनली निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक भी आपने आंसर छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 यूनिट इन एवरी 5 यूनिट्स अलोंग इट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर अलोंग द इंक्लाइन, व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, रोल्स डाउन अलोंग द इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 यूनिट एंड रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन एंड दैट राइजेस बाय 3 यूनिट इन एवरी 5 यूनिट्स अलोंग इट। मतलब ये क्या हो रहा है, 5 यूनिट से नीचे आ रहा है और 3 यूनिट से वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर 5 यूनिट से नीचे आ रहा है, फिर 3 यूनिट से ऊपर जा रहा है, फिर 5 से ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। देखो ये थोड़ा सा ऐसे होगा, 5 यूनिट से नीचे आया, 3 यूनिट से ऊपर आया, फिर 5 यूनिट से नीचे गया, फिर 3 यूनिट से नीचे ऊपर आया, ऐसे होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं खाली इसको क्या करता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग ट्राइंगल के फॉर्म में रीड्रॉ करते हैं तभी आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट है वो हमको फाइंड आउट करना है। शेप वो क्या हो रहा है, ऐसे 5 यूनिट से नीचे आ रहा है, ठीक है, और 3 यूनिट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 3 यूनिट से बढ़ रहा है, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो 3 यूनिट से बढ़ रहा है ऊपर, मतलब राइज हो रहा है, और ये 5 यूनिट से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और कुछ एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा होगा, ठीक है। ये क्या होती है, हाइट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। अब गलती से ये मत समझना, हाइट यहाँ पे 3 यूनिट्स है, ठीक है, ये मत समझना। ये क्या है, हाइट 3 यूनिट से राइज हो रहा है और ये 5 यूनिट से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, ऐसे समझना, ठीक है। अभी देखो ये हम लोग यहाँ पे हाइट निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट, अपोजिट क्या है मेरा, अपोजिट क्या है, 3/5, ठीक है। और हम लोग ने पढ़ा था ये देखो हाइट क्या होता है यहाँ पे, रोलिंग मोशन, जो हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक था रोलिंग मोशन, लेक्चर नंबर 17, आप डिस्क्रिप्शन आके पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा हो तो। तो रोलिंग मोशन में क्या पढ़ा था, जो हाइट होता है वो s इंटू साइन थीटा होता है। कैसे सर, ये देखो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, रोड का विड्थ बोलते हैं, ठीक है। ये है s, ये रोड का विड्थ s होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन थीटा यहाँ पे लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट मतलब h अपॉन हाइपोटेन्यूज s। तो h क्या होता था, s इंटू साइन थीटा होता था, ठीक है, इतनी बात आपको पता है, ठीक है। ये रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या बोला है, जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो कितना है, √10 m/s। और हमको क्या दिया है यहाँ पे, ट्रैवल चल रहा है डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस दिया यहाँ पे 5/3 m। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, शेप फाइंड आउट करना है। अब देखिए रोलिंग मोशन में हम लोग ने पढ़ा था कि जो k² / r² है ये हमको क्या बताएगा, शेप बताएगा। इसकी जो वैल्यूज आती थी वो हमको क्या बताती है, शेप बताएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये आपको लिटरली नहीं पता है तो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने का कोई एप्लीकेशन पढ़ने का कोई रोल ही नहीं बनता, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आप थियरी लेक्चर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिया, वहां पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए हम लोग स्पीड का, जब कोई बॉडी रोल डाउन कर रहा है, बॉडी यहाँ पे कोई भी शेप का बॉडी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे कोई बॉडी है रोल डाउन कर रहा है, स्पीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं जो कुछ भी स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो रोल करेगा ही, ठीक है। तो ये रोल कर रहा है, तो ये बॉडी जब रोल करेगा तो इसके हम लोग ने स्पीड निकाली थी। स्पीड कितनी होती थी, v = √2gh/1 k² / r², ये हम लोग ने फॉर्मूला एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ, v² = 2gh/1 k² / r², ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हाइट है वो हाइट हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, हाइट कितनी होती है यहाँ पे, h = s sin θ, s कितना है मेरे पास 5/3, और sin थीटा कितना है मेरे पास 3/5, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 1 m। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे और देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। अब देखिए v square, मतलब v हमारा क्या स्पीड, और उसका स्क्वायर कर देंगे, √10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, = 2g की वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, हाइट क्या हमारा 1 + k² / r². अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 20 = ये क्या होगा, ये 10 होगा, और ये क्या होगा, 2 × 10 = 20 / 1 + k² / r². मुझे ये टर्म निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख आता हूँ, 10 को यहाँ पे लिख आता हूँ, तो 1/k² / r² = 20/10, मतलब 10 × 10 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, k² / r² = 2, और ये 1 वहां आ जाएगा तो -1, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, तो k² / r² = 1। अब हमने पढ़ा था अगर k² / r² की वैल्यू 1 आ रही है तो क्या हो सकता है, शेप क्या हो सकता है, शेप आइदर क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है, या फिर हॉलो सिलेंडर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा था लेक्चर में, काफी अच्छे से डिस्कस किया था डिटेल में जाके, ठीक है। तो यहाँ से हमको हमारा जो क्वेश्चन है, सारे न्यूमेरिकल्स और पूरे यहाँ पे खत्म हो गए, हम लोगों ने सारे सॉल्व कर दिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप एक बार फिर से देखो, फिर से खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद पेन बुक लेके बैठोगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। सेकेंड चीज आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ में सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बाय हार्ट होगा तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ उसको रिलेट करके थोड़ा सा कुछ ना कुछ करके आप एप्लीकेशन उसका सॉल्व कर लोगे,
बात समझ में आ रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।